स्ट्रॉम हो गया या ट्री गिर गया आपके कार के ऊपर आपकी गाड़ी पूरी बर्बाद हो गई इंश्योरेंस अभी एक के अराउंड है तो यू कैन सी दैट एक डॉलर का डिफरेंस आया है पर मंथ की नुकसान अगर आपने किसी का कर दिया तो भरपाई आपकी कंपनी आपको नहीं करेगी अगर आपका नुकसान हुआ बहुत महंगा नुकसान हो गया तो यू हैव तो टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सबसे पहले तो तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं कि अगर आपको जितना एक्सपीरियंस होगा ना उतना आपका कम होगा इंश्योरेंस असलम ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माई चैनल इंजीनियर मूव ब्लॉग्स मेरा नाम मोहम्मद एराज है एंड वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन आज का वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव इन, होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इंश्योरेंस शेयर करने वाला हूँ कि, कि यू नो कार इंश्योरेंस किस तरह आप यू नो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं या फिर यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ कि किस तरह के इंश्योरेंस होते हैं कैनेडा में सबसे पहले तो तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं सबसे पहला होता है फुल इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस क्या होता है ना कि आपकी हर चीज़ कवर्ड होती है उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार को कोलाइड कर दिया किसी कहीं पर किसी कार के साथ तो आपकी सारी चीज़ कवर्ड होती है आपका खुद का डैमेज भी कवर्ड होता है आपका पर्सनल डैमेज भी कवर होता है और उस बंदे का भी डैमेज कवर होता है अगर आपकी मिस्टेक हुई तो अगर आपकी मिस्टेक नहीं हुई है तो उस बंदे का बेसिकली कवरेज आपको मिलता है ठीक है तो अगर आपकी गलती हुई तो फुल इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जो कंपनी होती है वो आपका डैमेज और बंदे का डैमेज वो दोनों पे करेगी दूसरा होता है वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपका पूरा कवर्ड नहीं होता है अगर आपने कोलाइड किया और आपकी मिस्टेक हुई तो कंपनी विल ओनली पे टू द थर्ड पार्टी जिसका नुकसान आपने किया है सो इस चीज़ से तो क्लियर हो गया कि थर्ड पार्टी का मतलब यह होता है कि नुकसान अगर आपने किसी का कर दिया तो भरपाई आपकी कंपनी आपको नहीं करेगी अगर आपका नुकसान हुआ बहुत महंगा नुकसान हो गया तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ठीक है थर्ड होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस का मतलब ये होता है ना कि नॉन कॉलिजन इंश्योरेंस होता है वो कि फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर स्ट्राम आ गया या कुछ हो गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल स्ट्राम हो गया या ट्री गिर गया आपके कार के ऊपर या फिर मान लो थेफ्ट uh, हो गया या फिर बैंडलिज्म हो गया या हेल स्ट्रॉम हो गया आपकी गाड़ी पूरी बर्बाद हो गई हाँ कैनेडा में बहुत कॉमन है ये सारी चीज़ें सो so, उस चीज़ में आपकी गाड़ी की कवरेज होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं तो वो आपकी गाड़ी की कवर पूरी करेंगी uh, मतलब कंपनी कवर करेंगी पूरी की पूरी कवरेज सो कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस ये होता है अब फुल इंश्योरेंस के साथ आप कॉम्प्रीहेंसिव कुछ कुछ कंपनीज में इंक्लूडेड होती है कुछ कुछ में नहीं होती है आपको अलग से लेनी पड़ती है थर्ड पार्टी में भी सेम चीज है अगर आपको थर्ड पार्टी मिल रही है और हो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिल रही है तो दैट्स वेल एंड गुड बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे डोंट गिव कॉम्प्रीहेंसिव आपको अलग से लेनी पड़ती है सो दोज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन कैनेडा कार की इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है थीके? सो कार के इंश्योरेंस तो हो गई आपकी यहाँ पे सेट अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है इंश्योरेंस को ठीक है कि मतलब किस चीज़ से इंश्योरेंस की दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ची, किस चीज़ से इंश्योरेंस की कॉस्ट थोड़ी रिड्यूस होती है ठीक है सबसे पहली बात करेंगे हम लोग फर्स्ट इज कि इंश्योरेंस आप कौन सी ले रहे हैं फुल थर्ड और कॉम्प्रीहसिव अगर आप फुल ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगी उसको क्योंकि सब कुछ कवर्ड हो रही है थर्ड पार्टी लेंगे तो थोड़ा सा कम होना चाहिए कॉम्प्रीहेंसिव ले रहे हैं तो भी आपको एक अलग कॉस्ट होता है सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव आप नहीं ले सकते आपको फुल या थर्ड में चूज करना है और कॉम्प्रीहेंसिव एड करवाना होगा तो डिपेंड करता है आप क्या चूज कर रहे हैं ठीक है अब मैं फैक्टर्स की बात करूंगा कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं आपके इंश्योरेंस के कॉस्ट को तो इंश्योरेंस के कॉस्ट को सबसे पहले आपका जो एफेक्ट uh, करती है वो होती है आपकी कार की मॉडल आपकी कार कौन सी मॉडल की है कितनी नई है और क्या क्या फीचर्स है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कार बहुत पुरानी है ना तो उसमें क्या होता है कि फीचर्स कम होते हैं फीचर्स का मतलब है सेफ्टी फीचर्स जितने कम होंगे उतना ज़्यादा इंश्योरेंस होगा सो so, सेफ्टी फीचर्स का मतलब है डैमेज कम होना तो ये हो गई आपकी एक बेसिकली फैक्टर विच इम्पैक्ट्स योर इंश्योरेंस कार का इंश्योरेंस ठीक है तो जितना आपका नया कार होगा उतना ज्यादा आपकी यू you नो know, जितनी सेफ्टी फीचर्स उतना कम इंश्योरेंस ठीक है सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट ये हो गया दूसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो होता है कि आप रहते कहाँ पे हो ठीक है तो आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक्स वाई जेड जगह पे रहते हो वहां पे चोरियां ज्यादा होती है तो कार की जो इंश्योरेंस है वो हाई रहेगी क्योंकि कंपनीज को पता है कि यू नो वो एरिया में सबसे ज्यादा चोरी होती है और आपकी कार जो है ना वनरेबल स्टेज में तो फिर बेसिकली वो आप समझ जाओ कि वहाँ पे कम होती है इंश्योरेंस uh, ज़्यादा होती है गुड से ठीक है नाउ लेस चेंज द पोजिशन यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने कि क्या क्या सारी यू नो पूरी सिटी की डाउन टाउन है अभी हम लोग चलेंगे दूसरे जगह पे वहाँ पे आपसे सेकेंड पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं ओके okay?

दैट इज something यू कैनॉट कंट्रोल ओवर राइट वो सारी चीजें जो होती है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है तो जिसका जो लाइसेंस है उस हिसाब से उसको बेनिफिट मिलती है उस चीज पे, ठीक है अब जो है ना थर्ड जो चीज होगा ना वो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी कार फाइनेंस्ड है या आप खुद ओन करते हो कार को अगर आप कार को खुद ओन करते हो ठीक है तो क्या होता है आपका इंश्योरेंस कम होता है क्योंकि आपकी गाड़ी है पूरी यू डोंट ओन एनी देट कार इज योअर ओन तो पूरा जिम्मेदार आप है अपनी कार के लिए तो वो एक रिड्यूस हो जाती है आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट ठीक है अब आती है टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें आप इंश्योरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है गौर से सुनना गाइस हर चीज पैरामीटर्स होती है सारी चीज की कि जो आपकी कार की इंश्योरेंस डिसाइड करती है ठीक है अभी हम लोग ये पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे कार के अंदर बैठ के क्योंकि यहाँ पे काफी ठंड है ओके लेट्स गो सो so गाइस कुछ कुछ चीजों पे तो हमारी कंट्रोल नहीं होती है राइट वी हैव नो कंट्रोल ओवर हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस का कितना पुराना है क्या है नहीं है वी हैव नो कंट्रोल जो है सो so है राइट right? अब हम बात करेंगे कि किस तरह आप रिड्यूस कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनाई थी अपने टाइम में और आई सो अ ड्रास्टिक चेंज इन द इंश्योरेंस हाफ हो गई थी मेरी इंश्योरेंस तो मैं अब आपको शेयर करता हूं जब आप फिल करते हैं एप्लीकेशन इंश्योरेंस के कार के जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछते हैं वो और उस चीजों में ये भी पूछते हैं वो कि आप बेसिकली फाइनेंस किया या लोन किया वो तो उन्हें पता चल ही जाता है तो आपको सच बताना है सा, सारी चीजें अब आपसे वो पूछेंगे ट्रैकिंग डिवाइस है कि नहीं है बहुत सारे लोगों के पास होती है नई कार में लेकिन जो पुराने कार खरीदते हैं उसमें नहीं होती है ठीक है तो उस चीज में मैं आपको बोलूंगा अगर आप एप्पल की आईफोन यूज करते हो तो एक एप्पल एयर टैग खरीद लो और में लो, कार में डाल लो या सैमसंग फोन यूज करते हो सैमसंग टैग यूज करके कार में डाल दो वो आपकी एक ट्रैकिंग डिवाइस हो जाती है जिससे आपकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन हो जाती है इंश्योरेंस में ठीक है दूसरा होता है वो पूछते हैं किलोमीटर्स पर ईयर आप कितने किलोमीटर्स पर ईयर चलाते हैं मिनिमम फाइव होता है मैक्सिमम हंड्रेड भी होता है जितना भी होता है ठीक है तो मिनिमम कहना है आपको क्यों नो मैं ज्यादा नहीं चलाता हूँ कार बहुत कम चलाता हूं दे डोंट इवन केयर बट आपको मिनिमम बोलना है जितना कम आप बताओगे उतना इंश्योरेंस आपकी रिड्यूस होगी ठीक है तो किलोमीटर पर ईयर सबसे मिनिमम बताना है आपको बोलना है आपने यूज करना नहीं है पर्सनल यूज करते हैं बहुत कम यूज करते हैं तो ये इस चीज से आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है अब हम लोग बात करेंगे पार्किंग की वो ये भी पूछते हैं कि आपकी जो पार्किंग है वो क्लोज पार्किंग है या ओपन पार्किंग है क्लोज पार्किंग में बेसिकली फायदा ये होता है हेल डैमेज नहीं होता है ओपन पार्किंग में हेल डैमेज होता है राइट right? सो so, अगर आप ओपन पार्किंग बोलेंगे तो थोड़ा आपका हाई जाएगा क्लोज पार्किंग बोलेंगे तो लो जाएगा तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप क्लोज पार्किंग बोले चाहे हो या ना हो क्लोज पार्किंग ही बोलना वो चेक करने आते नहीं है ठीक है तो उससे क्या होता है रिड्यूस हो जाएगी आपके इंश्योरेंस की कॉस्ट अब जो है ना वो पूछेंगे आपसे कि आप कितने लोग चलाते हो कार को आपको बोलना है सिर्फ आप ही चलाते हो अगर आप अपनी वाइफ के साथ हो तो भी बोलना है क्यों न सिर्फ मैं ही चलाता हूँ ग्रोसरी खरीदने जाता हूँ या बेसिक सामान खरीदने जाता हूँ उसके अलावा मैं

यूनिवर्सिटी ऑफ कोई यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो आपको वहां पे इंश्योरेंस की डिस्काउंट मिलती है फॉर एक्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से ग्रेजुएट हुआ हूँ मुझे uh, कुछ फाइव परसेंट डिस्काउंट मिलती है उसकी सो so, अगर आप ग्रेजुएट uh, हुए कुछ यूनिवर्सिटी से तो वहां से भी आपको डिस्काउंट मिलती है तो मेक श्योर sure कि आप वहां से क्लेम कर सकें और बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे अपेगा होता है uh, ओंटेरियो प्रोफेशनल इंजीनियर्स होता है ओंटेरियो में या फिर बी सी हाइड्रो बी सी की प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं सो so, ये सारे जो इंजीनियर्स होते हैं ना प्रोफेशनल इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन uh, के पार्ट होते हैं तो अगर वो आपके रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ से भी आपको कुछ हद तक डिस्काउंट मिलती है तो मेक श्योर sure अगर आप एक इंजीनियर है और आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो आप वहाँ से भी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कार के इंश्योरेंस के यू नो रिगार्डिंग सो ये सारी चीज़ें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई की थी अपने फिलहाल uh, मैंने अपने इंश्योरेंस को रिड्यूस करने के चक्कर में uh, मैंने जो कार यूज़ की है ना बेसिकली जब मैं शुरुआत में आया था मुझे नॉलेज कम थी तो मैंने यू नो फ़ोन किया टीडी और uh, बहुत सारे होते हैं टीडी होते हैं आरबीसी होती बहुत सारी uh, इंश्योरेंस ग्रुप होती है मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उस बारे में बता रहा हूँ तो मैंने फ़ोन किया था कि भाई मुझे इंश्योरेंस चाहिए और इंश्योरेंस उन्होंने पूरा पूछा मैंने सही सही सारे जवाब दिए तो मेरे इंश्योरेंस टू आई थी तब की बात है मेरे पास एडवांस लाइसेंस नहीं थी तब क्लास जी थी क्लास फाइव जी थी उस टाइम में तो एक महीने के बाद मेरी क्लास फाइव बन गई थी तो बट टू हंड्रेड आई अब मेरे पास एडवांस लाइसेंस है उसके अलावा आ, बहुत सारी जो चीजें मैंने आपको शेयर की जैसे ट्रैकिंग डिवाइस ये वो एक्स वाई जेड जितनी भी शेयर की है सारी मैंने बताई तो मेरी इंश्योरेंस अभी एक के अराउंड है तो यू कैन सी दैट एक डॉलर का डिफरेंस आया है पर मंथ सो तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं मतलब इंडिया से यहाँ और यहाँ पे कार खरीदना चाहते हैं और इंश्योरेंस पे थोड़े से उन्हें यू नो क्वेश्चंस है तो ये सारे आंसर्स है क्वेश्चंस के इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज बिना इंश्योरेंस के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर करा सकते कार के तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने को, कोई सी भी कार को रजिस्टर कराने जाएँगे आप रजिस्ट्री में तो आपसे सबसे पहले इंश्योरेंस मांगेंगे ये तो पहले आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा फिर ही आपकी कार रजिस्टर होगी सो so, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों uh, आप यू नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप इन टू द कॉमेंट सेक्शन और feel free to ask me anything i should be uh, i should try to answer all of your questions and uh, thank you so much for watching engineer more vlogs keep in touch uh, like share and subscribe thank you so much for watching uh, assalamu alaikum bye-bye